नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन के बारे में। हम लोग लोन्स का काम करते हैं और साथ में डिजिटल मार्केटिंग भी करते हैं, इसलिए हमारे पास बहुत सारा फ़ोन कॉल्स आता है हर दिन, SMS आते हैं, व्हाट्सअप आता है, जहाँ पे कस्टमर बोलते हैं कि हमें लोन चाहिए। इसके अंदर में बहुत कम कस्टमर ये बताते हैं किस टाइप का लोन उनको चाहिए और क्या लोन चाहिए, क्योंकि बैंक का अलग अलग प्रोडक्ट्स है कस्टमर का अलग अलग नीड फुलफिल करने के लिए, जहाँ पे अलग एलिजिबिलिटी भी चाहिए, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होता है। लास्ट महीने हम लोग एक कस्टमर का लोन किया हूँ जिन्होंने घर बना रहा है और वो घर बना रहे हैं उनका जॉइंट प्रॉपर्टी में। उनको घर बनाना बहुत जल्दी है क्योंकि उन्होंने जल्दी से जल्दी शादी करेगा। उनका जॉइंट प्रॉपर्टी में होम लोन चाहिए, इसलिए हम लोगों को भी बहुत डिफिकल्टी आया है वो लोन करवाने के लिए। फिर भी उनको लोन मिल गया, मगर ऐसा स्थिति हो प्रॉपर्टी पेपर सारा रेडी नहीं है, बिल्डिंग सेंक्शन प्लान बनाने में टाइम लगेगा, तो इस केस में हम लोग उन कस्टमर को बोलते हैं, उनको अच्छा सैलरी रहे तो उनको बताते हैं कि आप एक पर्सनल लोन ले लो, पर्सनल लोन लेके आप घर बना लो, या तो आपके पास कोई रेडी प्रॉपर्टी रहे तो रेडी प्रॉपर्टी को आप मॉर्गेज लोन करवा के वहाँ से पैसा लेके आप घर बना लो। अब मान लो उन्होंने पर्सनल लोन लेके घर बनाया है, जब घर रेडी हो जाता है उनको हम लोग बताते हैं कि आप उस घर को मॉर्गेज रख के लोन ले लो, क्योंकि पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है और लोन टेन्योर भी बहुत कम होता है, इस वजह से EMI बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके अगेंस्ट में लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है और लोन टेन्योर बहुत ज़्यादा होता है, और इसी कारण से वहाँ पर EMI बर्डन भी बहुत कम होता है। वहाँ से पैसा लेके वो पर्सनल लोन का पैसा चुका देगा और वो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी उन्होंने कंटिन्यू करते रहेगा। आपको बैंक का अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में पता रहे, अलग अलग लोन्स के बारे में पता रहे, तो आप खुद ही डिसीजन ले सकते हो किस टाइप का लोन आपको लेना चाहिए, क्या लोन आपको लेना चाहिए जो आपका नीड फुलफिल करेगा और आपका डॉक्यूमेंट्स भी सपोर्ट करेगा लोन मिलने में। तो वीडियो एंड तक देखते रहिए। यहाँ पे मैं बताएंगे सिक्योरिटी के बेसिस पे जिस टाइप का लोन होता है उसके बारे में। सिक्योरिटी के बेसिस पे 2 टाइप्स ऑफ लोन होता है, वो होता है सिक्योर्ड लोन, दूसरा होता है अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन में कुछ ना कुछ मॉर्गेज देना पड़ते हैं और अनसिक्योर्ड लोन में कुछ भी मॉर्गेज देने का जरूरत नहीं है। सिक्योर्ड लोन के अंदर में आता है होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जिसको शॉर्ट में LAP कहा जाता है, वर्किंग कैपिटल लोन्स, मशीनरी एंड इक्विपमेंट लोन्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स, एग्रीकल्चरल लोन्स, व्हीकल लोन्स, टर्म लोन्स, गोल्ड लोन्स। इसके अंदर में एक इम्पोर्टेंट लोन छूट गया है, वो है लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज, जो सिक्योरिटी पेपर्स के अगेंस्ट में दिया जाता है, सिर्फ वही लोन यहाँ से छूट गया ऐसा नहीं है। और भी बहुत सारा लोन होता है जो बैंक देते हैं, सारे लोन के बारे में यहाँ पे मैं लिस्टिंग नहीं किया है, जिस लोन के बारे में यहाँ पे मैं डिटेल में बताएंगे वही लोन यहाँ पे लिस्ट किया हूँ। अनसिक्योर लोन के अंदर में आता है टर्म लोन्स, वर्किंग कैपिटल लोन्स, एग्रीकल्चरल क्रेडिट कार्ड्स, पर्सनल लोन्स, बिजनेस लोन, लोन अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड्स। अब यहाँ पे वर्किंग कैपिटल लोन्स सिक्योर्ड लोन में भी आपने देखे होंगे। ये वर्किंग कैपिटल लोन सिक्योर्ड लोन भी होते हैं, अनसिक्योर लोन भी होते हैं, मैं डिटेल में उसके बारे में भी बताएंगे। होम लोन जो सिक्योर लोन में सबसे पॉपुलर है, क्योंकि हर किसी का एक ड्रीम रहता है एक घर हो, खुद का हाउस हो, चाहे आप घर बनाने जा रहे हैं, चाहे आप एक हाउस खरीद रहे हैं या तो फ्लैट खरीद रहे हैं, हर जगह में आपको होम लोन मिलेगा। सिर्फ यही नहीं, आप प्लॉट परचेस करके एक घर बनाने चाहते हो तो उसके लिए भी आपको होम लोन मिलता है। आपका एग्जिस्टिंग घर है जहाँ पे आप एक्सटेंशन करना चाहते हो या तो घर को रिनोवेशन करना चाहते हो, उसके लिए भी होम लोन दिया जाता है। होम लोन का इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है, अभी किसी बैंक में आपको 8.5% से होम लोन मिल जाएगा, कुछ दिन पहले इससे भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट था। हाँ, NBFCs में थोड़ा ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकते हैं। होम लोन सेलेक्ट कस्टमर के लिए 30 इयर्स तक दिया जाता है, बिजनेस कस्टमर के लिए भी कम से कम 20 इयर्स के लिए लोन देते हैं, इसलिए यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी कम है और लोन टेन्योर भी ज्यादा है, इसी कारण से यहाँ पे EMI भी बहुत कम होता है और ज्यादा लोन अमाउंट कस्टमर ले सकते हैं। होम लोन में थोड़ा डॉक्यूमेंट ज्यादा लगता है, यहाँ पे इनकम प्रूफ भी देना पड़ता है और साथ में प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स भी देना होता है, सारा प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट सही रहे तो ही होम लोन मिलेगा। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, मान लो आपके पास ऑलरेडी घर है, आपको पैसा का जरूरत पड़ गया बिजनेस को डेवलप करने के लिए, या तो कोई इमरजेंसी पड़ गया, मेडिकल इमरजेंसी, या तो बच्चों का एडुकेशन के लिए आपको पैसा का जरूरत है, आप अपना खुद का घर मॉर्गेज करके भी लोन ले सकते हो, इसको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी कहा जाता है।
बैंकिंग टर्म्स में ज्यादातर लोग लैप बोलते हैं। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का भी रेट बहुत कम होता है, ज्यादा से ज्यादा 1-2% ज्यादा होता है होम लोन के अगेंस्ट में। जहाँ पे आपको 8.5% में होम लोन मिल रहे हैं वहां पे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगा 9.5% में। हाँ, जहाँ पे आप ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देके होम लोन ले रहे हो वहां पे और भी ज्यादा लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी होगा। बैंक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी बिजनेसमैन लोगों को देने के लिए ज्यादा प्रेफर करते हैं सेलेक्ट कस्टमर का अगेंस्ट में, क्योंकि बिजनेसमैन लोग वो पैसा लेके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है जहाँ पे उनको कमाई भी होता है और ईएमआई पेमेंट करना आसान रहता है। बैंक का ये मानना है कि जो सैलरीड कस्टमर खुद का घर मॉर्गेज रख रहा है उसके मतलब उनका पैसा का बहुत क्राइसिस हो चुका है, यहाँ पे बैंक का पैसा डूब भी सकते हैं। तो जहां तक बैंक सैलरीड कस्टमर को लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी देना प्रेफर नहीं करते हैं। गोल्ड लोन्स, घर में ऑर्नामेंट्स है, गोल्ड ऑर्नामेंट, उसको मॉर्गेज करके बहुत आसानी से लोन मिल जाता है। इमरजेंसी के टाइम में ये सबसे अच्छा ऑप्शंस है, क्योंकि एक घंटे के अंदर में कभी कभी आधा घंटा में भी गोल्ड लोन मिल जाता है। गोल्ड लोन एक शॉर्ट टर्म लोन होता है, किसी किसी जगह में कस्टमर ईएमआई पे करते हैं और किसी किसी बैंक में सिर्फ इंटरेस्ट लेता है। जब आप गोल्ड ऑर्नामेंट वहां से छुड़ाओगे बैंक से, उस टाइम पे पूरा पैसा आपको देना पड़ता है। नॉर्मली ये ऑर्नामेंट बैंक में मॉर्गेज रहता है, बैंक का लॉकर में रहता है। व्हीकल लोन्स, नाम देख के आपको पता चल रहा है, व्हीकल खरीदने के लिए लोन दिया जाता है। आप कार खरीदने के लिए लोन ले सकते हो, बाइक खरीदने के लिए भी लोन ले सकते हो। सिर्फ कार बाइक खरीदने के लिए लोन मिलता है ऐसा नहीं है, आप कोई भी बिजनेस के लिए व्हीकल खरीदना चाहते हो, कमर्शियल पर्पस में व्हीकल खरीदना चाहते हो, उसके लिए भी लोन मिलता है। जैसे कि आप ट्रक खरीदोगे उसके लिए भी लोन मिलेगा, और एक कार खरीदोगे जो रेंट पे आप देना चाहते हो वहां पे भी आपको कार लोन मिलते हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, इस लोन के बारे में बहुत सारे लोगों को पता होगा, क्योंकि जब हम लोग जाते हैं किसी सामान खरीदने के लिए, जो पैसा हमारे पास रहता है एक टीवी या तो फ्रिज खरीदने के लिए, एक अच्छा सामान पसंद हो चुका है और उतना पैसा हमारे पास नहीं है, तो दुकानदार हम लोगों को ऑफर कर देता है आपको ईएमआई मिल जाएगा, अब ये प्रोडक्ट ले लीजिए, कोई आपको चिंता नहीं है, हम लोग ईएमआई का अरेंज कर दे रहे हैं। ये लोन 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने के लिए नॉर्मली होता है, बहुत शॉर्ट टर्म लोन होता है। तो कंज्यूमर प्रोडक्ट खरीदने के लिए भी अभी लोन बहुत आसानी से मिल रहा है। वर्किंग कैपिटल लोन, ये लोन बिजनेसमैन लोगों के लिए होते हैं, बिजनेस को रन करने के लिए, वर्किंग कैपिटल नीड को फुलफिल करने के लिए, उनका जो डे टू डे एक्सपेंडिचर है उसको सपोर्ट करने के लिए बैंक ये लोन देता है। सुनने में तो लगता है कि डे टू डे एक्सपेंस बहुत कम होगा, मगर एक बड़ा कंपनी है जहाँ पे वर्किंग कैपिटल का जरूरत बहुत ज्यादा होता है वहाँ पे बहुत ज्यादा लोन मिलते हैं, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ उससे भी ज्यादा मिल सकते हैं। वर्किंग कैपिटल लोन के अंदर भी बहुत सारा लोन आता है, जैसे कि कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, ये नॉन फंड बेस्ड लोन के अंदर में आता है, बैंक गारंटी, इनवॉइस फाइनेंसिंग, लेटर ऑफ क्रेडिट, अलग अलग पर्पस, अलग अलग नीड फुलफिल करने के लिए बैंक अलग अलग लोन देते हैं। मशीन एंड इक्विपमेंट लोन, ये भी बिजनेस रन करने के लिए मिलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए अलग अलग मशीन का जरूरत पड़ते हैं, एक नर्सिंग होम या तो डायग्नोस्टिक सेंटर रन करने के लिए कॉस्टली मशीन का जरूरत पड़ते हैं, वहां पे भी मशीन खरीदने के लिए लोन मिल जाता है, 60%, 70% इवन 80-90% भी लोन मिल जाता है मेडिकल इक्विपमेंट खरीदने के लिए। ये लोन शॉर्ट टर्म लोन होता है, नॉर्मली 3-7 इयर्स के लिए दिया जाता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी या तो प्राइवेट बैंक में 3-4 इयर्स के लिए देता है, और पीएसयू बैंक में थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए ये लोन मिल सकते हैं। इस लोन में दूसरा कोई एसेट मॉर्गेज करने के लिए जरूरत नहीं पड़ता है, सिर्फ मशीनरी मॉर्गेज करके ही ये लोन आपको मिल जाता है। एग्रीकल्चर लोन, एग्रीकल्चर करने के लिए भी जमीन का पेपर मॉर्गेज करके लोन मिल जाता है, ये लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, कभी कभी यहाँ पे गवर्नमेंट सब्सिडी भी मिल जाता है। पर्सनल लोन, ये सबसे पॉपुलर लोन है जो अनसिक्योर्ड लोन है, ज्यादातर लोग जो पैसा मांगते हैं वो नॉर्मली पर्सनल लोन के लिए हमें बोलते हैं। इस लोन में कस्टमर को सिर्फ क्रेडिबिलिटी दिखा जाता है और ज्यादा डॉक्यूमेंट्स का जरूरत नहीं पड़ते हैं। ज्यादातर सैलरीड कस्टमर को ये पर्सनल लोन मिलते हैं, सैलरीड कस्टमर का जिनका सैलरी अकाउंट है जिस बैंक में, वहां से बहुत आसानी से और बहुत कम टाइम में ये लोन अप्रूव हो जाता है। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी ज्यादा होता है और लोन शॉर्ट टर्म लोन होता है, इस वजह से ईएमआई भी बहुत ज्यादा होता है। बिजनेस लोन, यहाँ पे मैं अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि बिजनेस लोन एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, ज्यादातर लोग ये बिजनेस लोन को अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन के हिसाब से जानते हैं। प्राइवेट बैंक में जैसे सैलरीड कस्टमर के लिए पर्सनल लोन मिलते हैं, वैसे ही बिजनेसमैन लोगों के लिए अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन मिलते हैं। बिजनेस का डॉक्यूमेंट जैसे कि आईटी फाइल, ट्रेड लाइसेंस, करंट अकाउंट स्टेटमेंट देख के बैंक उस कस्टमर को
अनसिक्योर लोन दे देते हैं बिजनेस रन करने के लिए, और ये एक टर्म लोन होता है, शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है। वर्किंग कैपिटल लोन्स अनसिक्योर, वर्किंग कैपिटल लोन भी अनसिक्योर होता है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट सब्सिडी स्कीम में जहां तक लोन होता है वहां पे कोई भी मॉर्गेज देने का जरूरत नहीं पड़ता है, जैसे कि CGTMSE स्कीम, जैसे कि मुद्रा लोन, वहां पे वर्किंग कैपिटल लोन मिलता है और वहां पे कोई भी सिक्योरिटी देने का जरूरत नहीं है। जैसे मैं भूल गया हूँ, पहले जो सिक्योर वर्किंग कैपिटल लोन के बारे में बता रहे थे, वहां पे सिक्योरिटी देना पड़ता है। वहां पे नॉर्मली जो फिनिश स्टॉक होता है या तो अनफिनिश स्टॉक होता है, वो सारा स्टॉक्स को मॉर्गेज करके बैंक लोन देता है, वर्किंग कैपिटल लोन देता है। कभी कभी एडिशनल कोलैटरल भी लेता है, घर भी मॉर्गेज करके वर्किंग कैपिटल लोन देता है सिक्योर्ड वर्किंग कैपिटल लोन में। जहाँ पे अनसिक्योर वर्किंग कैपिटल में कुछ भी मॉर्गेज करने का जरूरत नहीं होता है। लोन अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड, आपके पास क्रेडिट कार्ड रहे तो उसके अगेंस्ट में भी शॉर्ट टर्म पर्सनल लोन मिलते हैं क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट में। आपके पास क्रेडिट कार्ड रहे तो उसके अगेंस्ट में भी शॉर्ट टर्म लोन मिलते हैं। एग्रीकल्चरल क्रेडिट कार्ड, ये एक्चुअल में KCC कार्ड होता है, किसान क्रेडिट कार्ड जिसको कहा जाता है। यहाँ पे कस्टमर को एक लिमिट दिया जाता है, उस लिमिट के बेसिस पे कस्टमर पैसा उठा सकते हैं बैंक से और उनका एग्रीकल्चरल वर्क में लगा सकते हैं। जैसे उनका काम हो जाता है उसके बाद वो पैसा वापस जमा कर सकते हैं। जितना दिन के लिए पैसा लेते हैं उतना दिन के लिए इंटरेस्ट भरना पड़ता है, और यहाँ पे भी गवर्नमेंट सब्सिडी मिलता है। यहाँ पे मैं जितना सारा लोन प्रोडक्ट के बारे में बताया हूँ, ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट में मेरा ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है यूट्यूब चैनल में, वो सारा वीडियोस का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो वीडियो देख के आप उसके बारे में और भी ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, वर्किंग कैपिटल लोन, सारा लोन्स के बारे में मेरा ऑलरेडी यूट्यूब चैनल में वीडियो है। हम लोग लोन्स का काम करते हैं, आपको कोई लोन का जरूरत पड़े तो आप हमें भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और भी ज्यादा जानकारी चाहिए तो हमें भी कॉन्टेक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नीचे हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, इसी नंबर पे आज ही कॉन्टेक्ट कीजिए, मेरा टीम आपको हेल्प कर देगी। ओवर द फोन आप कुछ भी एडवाइस चाहते हो तो उसके लिए आपको कोई भी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एडवाइस मिल जाएगा। वीडियो में किसी जगह में आपको डाउट रहे तो नीचे कमेंट करके बताइए, मैं आपका कमेंट का जरूर आंसर करेंगे। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।